हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, हमने जो है रेनी सीजन से रिलेटेड कुछ शॉपिंग कर ली है। पौधे नहीं खरीदे हैं, कुछ मैंने खाद लिया है, कुछ बीजे खरीदी हैं, तो आपके संग दिखाते हैं क्या क्या खरीदा है। एक्चुअली मैं अभी जो था थोड़ा सा टाइम था दोपहर में निकल के गए थे। वो भी इसलिए निकल के गए थे क्योंकि दोपहर में जो है भीड़ कम होती है दुकानों में, तो चले गए। ऐसे तो कहीं निकल के जाना बड़ी ही मुसीबत लगती है क्योंकि इतनी पैकिंग के संग जाना पड़ता है अपने को कि बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आपको हम दिखाते हैं क्या क्या सामान खरीदा है। इसमें तो कुछ बीजे खरीदी हैं हमने, वैसे तो लास्ट ईयर की बीजे रखी थी मेरे पास और कुछ सीडें मैंने डाली भी, जर्मिनेट भी हो गई, लेकिन हमें वही लग रहा था कि इतनी मेहनत से सॉइल मिक्स वगैरह बनाओ और उसमें जो है अगर वो मन मुताबिक चीजें नहीं निकलती तो फिर बड़ा खराब लगता है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो सीड वगैरह खरीद लेते हैं। तो क्या क्या खरीदा है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये दोस्तों है, ये नीम की खली है। नीम की खली हम अपने गार्डनिंग में जरूर रखते हैं क्योंकि फ्रेंड्स कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारी फंगस वगैरह जो होती है मिट्टी में अगर रहती भी है तो ये नीम की खली से दूर हो जाता है। तो मैंने जो है नीम की खली जो खरीदी है ये थोड़े से टुकड़े टुकड़े फॉर्म में है और ये जो है कॉस्ट हमें अभी तो याद नहीं है, बाद में जो है हम नीचे स्क्रीन में लिख देंगे देख करके, पर्चे में सब लिखा है क्या कितने का है। तो इसको जो है हम यूज करेंगे। ये जो नीम की खली 2.5 किलो है तो ये मेरे लिए काफी है, ये अभी 2-3 महीना चली जाएगी। अभी जो बरसात वाला जो सॉइल मिक्स बनाएंगे ना उसी में ये डाल देंगे हम, तो ये नीम की खली हमारी हो गई है 2.5 किलो। इसके अलावा हमने लिया है ये है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट जो है इस तरीके से देखिए पैकेट्स में आता है हमारे यहाँ पर। पहले जो था 1/2 kg का एक पैकेट आता था, अब जो है 1-1 किलो का पैकेट है। तो मैंने 5 kg जो है ये बर्मी कंपोस्ट लिया है। इसमें जो है 5 पैकेट्स हैं, ये 30 या 35 रुपीज पर kg पड़ता है। एग्जैक्टली याद नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन अब क्या करें क्योंकि इलाहाबाद में कहीं और जो है मिलता ही नहीं है, हमको तो नहीं मिला है तो हम फिर यही ले लेते हैं, ठीक रहता है अपना। इसके बाद हमने जो लिया है ये लिया है बोन मील। बोन मील वैसे तो बहुत लोग परहेज करते हैं लेने से लेकिन हमें कोई भी ऐसा परहेज नहीं है, मैं यूज कर लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ उसको स्टीम वगैरह करके मतलब वो करा जाता है, क्रस्ट किया जाता है, पाउडर फॉर्म में किया जाता है, इसलिए हमें कोई परहेज नहीं है। एक्चुअली में इससे फ्लावरिंग वगैरह होती है, जो सब्जी वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अभी हमें अपना सॉइल मिक्स वगैरह बनाना है तो मैंने ले लिया है। तो मेरा 2.5 किलो जो है नीम की खली है और लिख दूंगी। साथ में एक जो लिया है ये लिखा है माइक्रोल है। ये जो है एक बैलेंस डाइट है, अभी ये हमने फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, मुझे पता नहीं ये कैसा है क्या है, फर्स्ट टाइम लिया, उन्होंने कहा कि लगा देखिए इसको, तो अगर हम देखेंगे, पढ़ा भी नहीं है मैंने इसके बारे में ज्यादा, अगर मैं देखूंगी कि ये ऑर्गेनिक नहीं है तो फिर मैं वापस कर दूंगी, मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपनी मिट्टी में जो हूँ टोटली ऑर्गेनिक चीजें यूज करती हूँ। तो ये माइक्रोल है, जो 2 पैकेट लिए हैं माइक्रोल के हमने, इसमें से तो कुछ दे दूंगी, 2 पैकेट लिए हैं ये हमने। तो कह तो रहे थे कि साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, जब तक हम इसको खोलें कैसे पता लगेगा, जब तक हम इसको जांचेंगे नहीं तो पहले हम देखेंगे इसको। बस यही सामान है, कुछ गिरा भी है इसमें मेरे पैकेट में और साथ में बीज भी लेकर के आए हैं। अब की ना हमें ये वाला बीज मिला है, ये वाला, तो ये वाला जो बीज है ये लौकी का बीज है, गोल वाली जो लौकी आती वो, ये 20 रुपीज का मुझे पैकेट मिला है। इसमें काफी सारे बीज लग रहे हैं हमको, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये वाला दिया है, नहीं तो अब तो खुला ही ले रहे थे। चेरी टमाटोज का पैकेट एक मिल गया है, ये भी हमें 20 रुपीज में ही मिला है। MRP इसमें 50 रुपीज लिखी है पीछे, लेकिन 20 रुपीज में इसमें दिया है। जब हम इसको लगाएंगे तो आपके संग शेयर करेंगे। इसमें जो मैंने 5 रुपीज का 10 रुपीज का लिया है। अब धनिया जो है देखिए ये वाली है, धनिया है कलर्ड वाली है, ये देखिए आपको दिख रही होगी, तो ये धनिया जो है ये मैंने 10 रुपीज की ले ली है। अभी तो धनिया नहीं लगेगी क्योंकि अभी बहुत गर्म टेम्परेचर है। धनिया को जो है हमें लगता है कि बेस्ट होता है वही सितंबर वगैरह में लगाने में ज्यादा अच्छा, क्योंकि तो धनिया में ज्यादा पानी लग जाता है तो वो भी खराब हो जाता है। धनिया ली है, ये हमने सेम ले लिए, सेम बीन्स जो होती है वो ले ली, ये भी 10 रुपीज की लिया है सेम। ये देखिए इसका ये है, ये हो गया है,
और हमने लिया है ये 5 रुपीस में लिया है हमने ये। तो ये मेरे है करेला, करेला जो है ये अब की मैंने वो लंबा वाला करेला लिया है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास थे वो गोल वाली वैरायटी आ गई थी छोटी छोटी सी, तो मैंने अब की उनको कहा है कि मुझे लंबी वाली वैरायटी दे, तो ये लंबी वाली वैरायटी ये 5 रुपीस में है। यहाँ पर जो है मेरे पास ये है, ये जो है कद्दू का भी बीज हम ले लिए हैं। वैसे कद्दू लगाने के लिए काफी स्पेस चाहिए, मिट्टी भी काफी चाहिए, लेकिन हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कद्दू लगाने, कद्दू अभी लगाया जा सकता है रेनी सीजन में। तो कद्दू लिया है, कद्दू भी जो है ये मैंने 10 रुपीज का लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है ये टमाटर लिया है, टमाटर जो बड़े साइज का आता है नॉर्मली जो मिलता है वो लिया है, ये 5 रुपीज में बीज लिए हैं। बैगन है, बैगन के गोल वाले हैं, ये भी 5 रुपीज के मैंने बीज लिए हैं बैगन के। तो ये मेरी शॉपिंग है, 600 की शॉपिंग है ये वाली मेरी, 635 रुपीज की है। और इसके बाद जो है ये मेरी पूरी रेनी सीजन चलेगी, और तो मुझे कुछ खरीदना नहीं है, प्लांट मैं कोई भी नहीं खरीदूंगी। ये जो है वो है, ये पता नहीं क्या दिया है उन्होंने, सेम है, नहीं नहीं ये वो है बीन्स है, बोरा लोभिया जिसको बोलते है ना, मेरे ख्याल से ये वही है, लोभिया है ये। तो ये शॉपिंग है मेरी फ्रेंड्स, तो मेरी शॉपिंग हो गई है, अब आप भी शॉपिंग करो और अपने गार्डन को हरा भरा देखो। रेनी सीजन में पानी कम देना पड़ता है, नहीं तो गर्मियों में ज्यादा प्लांट्स लगा लो। और फिर तो मेरे संग क्या होता है कि ऊपर जो हम यहाँ पर थर्ड फ्लोर में गार्डनिंग करते हैं, तो फिर पानी आने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमको लास्ट ईयर बहुत हो गई थी, तो अब की जो था थोड़ा मैंने कम गार्डनिंग करी थी। फिर मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।